दोस्तों बहुत ठंड लग रही है क्योंकि टेम्परेचर है -270.45 डिग्री सेल्सियस। पर क्या आप जानते हो कि इस यूनिवर्स का सबसे ठंडा टेम्परेचर क्या है, जिससे ठंडा और कुछ भी नहीं हो सकता? अब देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही है इट्स -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी जानते हैं। बट वेट ए सेकेंड, कभी ये सोचा है कि ये टेम्परेचर हमेशा इतना ही क्यों रहता है? मतलब सोचने वाली बात है ना कि ये नंबर -270, -280, -300 भी तो हो सकता था, पर प्रिसाइसली ये नंबर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर आकर ही क्यों अटक गई? क्या इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक है जिसे आपसे छिपाया गया है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे सुलझाया नहीं जा सकता? तो देखो, आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर के एनालिसिस और हिस्ट्री को डिकोड करते हुए ये समझने वाले हैं कि आखिर एब्सोल्यूट जीरो यूनिवर्स और कॉस्मोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जरूरी क्यों है और क्यों ये इतना डेफिनेट है। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो के बारे में। दोस्तों, कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ये तो हम बस उसके स्टेट ऑफ मैटर को देखकर समझ सकते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी चीज का तापमान बढ़ता या घटता कैसे? मतलब हाँ, किसी भी चीज को चूल्हे पर रख दोगे तो उसका तापमान गर्म हो जाएगा, वहीं फ्रीजर के अंदर चीजें ठंडी हो जाएगी। बट इन दोनों ही सिनेरियो में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होने लगता है? वेल, द आंसर इज एनर्जी एंड ऑसिलेशन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही हार्ड क्यों ना हो, फिर चाहे हम लोग बात करें आयरन की या डायमंड की, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर पार्टिकल्स लगातार ऑसिलेशन करते रहते हैं। जिसे अगर आसान भाषा में एक्सप्लेन करें तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके एटम्स उस स्ट्रक्चर के अक्रॉस मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। हालांकि ये मूवमेंट ही इस फिनोमेना के पीछे की वजह होती है जिसे हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। देखो, टेम्परेचर को बयां करने के लिए हमें ऐसे समझना होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स का मूवमेंट ज्यादा तेज रफ्तार से होगा, उस ऑब्जेक्ट में हायर एनर्जी क्रिएट होने की वजह से ज्यादा गर्मी पैदा होगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप किसी पानी के पतीले को गैस पर चढ़ाते हैं तो स्टोव से जनरेट होने वाली हीट एनर्जी उस पानी के अंदर ट्रांसफर होकर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशन रेट को बढ़ाती है, और चूंकि इससे पानी के अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए हमारा पानी पहले के मुकाबले गर्म होने लगता है। नाउ सिमिलरली, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए फ्रीजर या फिर फ्रिज में रखते हैं तो फ्रीजर के अंदर का वातावरण उस ऑब्जेक्ट के एटम्स की ऑसिलेशन रेट को स्लो डाउन करने का ट्राई करता है। पिछले सिनेरियो की तरह इसमें भी जब ऑसिलेशन रेट घटने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के साथ साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। मोर ओवर, जब यही काइनेटिक एनर्जी बियॉन्ड कंट्रोल पहुंच जाती है तो एटम्स के एक्सट्रीम पेज्ड ऑसिलेशन की वजह से वो एक दूसरे से फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है और लिक्विड गैस में। अब देखो, कोई चीज ठंडी है और कोई चीज गर्म है, ये तो हमें उसे छूकर पता चल जाता है, पर इस सेंसिबल मौके पर अचानक से नंबर और वैल्यूज कहां से घुस गई? वेल, ये सिलसिला शुरू हुआ साल 1714 में, जब जर्मन फिजिसिस्ट डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने टेम्परेचर को नापने का एक स्केल दिया। उन्होंने अपने स्केल में वाटर, आइस और अमोनियम क्लोराइड के फ्रीजिंग टेम्परेचर को जीरो पर रखा। वहीं दूसरे स्टेज पर उन्होंने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को एज बेस रखकर कुछ मिनिमम एडजस्टमेंट करी और प्रेजेंट किया मानव इतिहास का सबसे पहला टेम्परेचर स्केल, जिसे फारेनहाइट स्केल के नाम से जाना जाता है। हालांकि देखो, फारेनहाइट स्केल को कॉम्प्लेक्स समझते हुए साल 1742 में एक स्वीडिश फिजिसिस्ट एंड्रेस सेल्सियस ने अपना खुद का टेम्परेचर स्केल प्रेजेंट किया, जो हद से ज्यादा सिंपल था। देखो, जिस तापमान में पानी जमने लगता है ना, उसे उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस करार दिया, और जिस तापमान में पानी उबलने लगता है उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। एंड दैट्स इट, इसके बीच जो भी आए वो अपना समझ ले। और इतना ज्यादा सिंपल होने की वजह से बहुत जल्द ही ये मेजरमेंट यूनिट पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक उसी तरह जैसे आज लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक कार का क्रेज बढ़ा हुआ है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन इलेक्ट्रिक कार में यूज होने वाला मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा खोज है,
क्योंकि यह मोटर आज हमारे चारों ओर मौजूद है और इसके बिना हम आज अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सिर के ऊपर पंखे से लेकर आपके इस मोबाइल फोन तक सबके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और इसकी खोज में अहम रोल निभाया था सर निकोलाई टेस्ला के एसी इंडक्शन मोटर ने। पर क्या आपको पता है कि निकोलाई टेस्ला ने एक बार एक ऐसा मोटर भी बनाया था जो डायरेक्टली हीट टेम्परेचर से चलता था? जी हाँ, और उसका नाम था टेस्लास थर्मोमैग्नेटिक मोटर। एक ऐसा मोटर जो कि क्यूरी टेम्परेचर फिनोमेना पर वर्क करता है, जिसे गर्मी मिलने पर वो अपने आप ही घूमने लगता है। सर निकोलाई टेस्ला एक महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे और उतनी ही महान उनकी लाइफ जर्नी भी थी, जिसे मैंने पूरी गहराई से सुना कुकू एफएम में मौजूद इस ऑडियो बुक निकोलाई टेस्ला में, जिसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। कुकू एफएम पर ऐसे ही आप एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह के भी जीवनी को सुन सकते हो, जो मैंने सुना एंड लिटरली मेरे सोच का दायरा और भी बढ़ गया। कुकू एफएम ने अपने 10,000 प्लस ऑडियो शोज की लाइब्रेरी के साथ 25 लाख से ज्यादा प्रीमियम लिसनर्स को सेटिस्फाई किया है। और कुकू एफएम को सुनने के बाद मेरा तो स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया है, क्योंकि मैं कुछ भी करते करते ऑडियो बुक्स को सुन सकता हूँ और साथ ही मुझे स्क्रीन को बार बार देखना नहीं पड़ता, जो कि आपकी आंखों के लिए एक पॉजिटिव चेंज है। और डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके अगर आप मेरा कूपन कोड ATV50 यूज करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 99 के जगह केवल 49 रुपीज लगेंगे। तो अभी डाउनलोड करो कुकू एफएम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्केल्स को स्टडी किया है वो सभी पॉजिटिव में ही रहे हैं, पर चीजों के जमने की शुरुआत तो नेगेटिव टेम्परेचर्स में होता है। ऐसे में ये नेगेटिव वैल्यूज कहां से आई? वेल, इनिशियली इन दोनों ही फिजिसिस्ट ने अपने स्केल पर नेगेटिव वैल्यूज इसीलिए नहीं रखे क्योंकि उस वक्त पानी को जमा पाना नामुमकिन था। अब दोस्तों, पानी को गर्म करना काफी आसान है, कहीं भी आग जलाओ और 2 मिनट में पानी गर्म कर लो, पर क्या आप इसी तरह से 2 मिनट के अंदर बर्फ जमा सकते हैं? अब चाहे आपको आज की डेट का बेस्ट फ्रीजर ही क्यों ना दे दिया जाए, 2 मिनट में बर्फ आपसे फिर भी नहीं जमेगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी चीज से उसकी काइनेटिक एनर्जी को छीनना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप आग से निकलने वाली हीट एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करते हैं, पर उसी काइनेटिक एनर्जी को वापस से एब्जॉर्ब करने के तरीके को खोजने के लिए आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी रूल्स और फिजिक्स के काफी सारे प्रिंसिपल से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद आपका दिमाग ना घूम जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब अच्छा, हमारे इस केस में 18वीं सदी तक किसी को भी बर्फ जमानी आती ही नहीं थी और इसीलिए कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं किए गए। हालांकि ये सीन 1853 में बदल गया जब अलेक्जेंडर ट्विनिंग ने पहली बार रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पेटेंट करवाते हुए आर्टिफिशियल आइस को क्रिएट किया, और इसी डिस्कवरी के साथ ये बात शुरू हो गई कि कमर्शियल और कॉस्मिक टेम्परेचर की स्टडी में हमें कन्वेंशनल पॉजिटिव वैल्यू से नीचे भी गिरना पड़ेगा, और वहीं से शुरुआत हुई कन्वेंशनल माइनस टेम्परेचर की। दोस्तों, वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सही कंडीशन में ठंडा करना मुमकिन है, पर सवाल ये आ रहा था कि आखिर किसी चीज को कितना ही ठंडा किया जा सकता है। आसान भाषा में कहे तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोल्डनेस, जिसके बियॉन्ड कुछ भी ठंडा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब हम अपनी रिसर्च के इस पड़ाव पर पहुंचे तो यहाँ पर हमें मिला गेल ल्यूसैक्स लॉ। साल 1802 में एक फ्रेंच केमिस्ट और फिजिसिस्ट जोसेफ लुई गेल ल्यूसैक ने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक प्रिंसिपल क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का टेम्परेचर घटाने लगते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम भी कम होने लगता है। नाउ प्रिसाइसली कहे तो उनके अनुसार जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटा देते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम 1/273 टाइम्स कम हो जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिचुएशन के दौरान एनवायरनमेंट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। अब देखो, अगर इसी प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम लोग किसी गैस को -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देंगे तो ऐसे में उस गैस का वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा, जिसका मतलब कि वो गैस पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा। बट टेक्निकली इस तरह से किसी भी चीज का यूं गायब हो जाना फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। Now after all, matter can neither be created nor be destroyed, जिस कारण से इस -273.15 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को the coldest temperature possible कहा जाने लगा। अच्छा, अभी भी इस temperature के level के बारे में दो ऐसी बातें हैं जो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन बना देती है।
मैथमेटिकली देखा जाए तो इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी हीट और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर के पार्टिकल्स ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, विच इज टेक्निकली इम्पॉसिबल टू अकर, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के स्टेबल रहने के लिए उसके पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज, अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट के अंदर से सारी की सारी हीट या एनर्जी को निकालना इम्पॉसिबल है। एंड जस्ट बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद चीज़ों के स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल नहीं साउंड करती। इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो भले ही एक वैलिड टेम्परेचर है, पर इस टेम्परेचर तक पहुंच पाना लॉजिकल सेंस में इम्पॉसिबल बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में बनी रहे, इसके लिए आगे जाकर केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसा कि आप सब पहचान ही गए होंगे, केल्विन स्केल का जीरो डिग्री टेम्परेचर यूनिवर्स का एब्सोल्यूट जीरो होता है। इंटरेस्टिंगली, किसी भी चीज का टेम्परेचर घटाना या बढ़ाना कई बार हमें कुछ ऐसी जादुई चीजें दिखा देता है जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर, हीलियम -269 डिग्री सेल्सियस पर गैस से लिक्विड बन जाता है, और इससे ज्यादा टेम्परेचर के घटने पर यही लिक्विड सुपर फ्लूइडिटी के ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जिसका विजुअल स्पेसिमेन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर भले ही हाउस होल्ड लेवल पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर कॉस्मोस में जाकर ये भी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल्स अचीव करने लगता है। वैसे जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ, और वो ये है कि ब्रह्मांड का सबसे गर्म तापमान कौन सा होता है और उसकी वैल्यू क्या है। अपने अपने आंसर नीचे कॉमेंट में देना मत भूलना। और दोस्तों, जाने से पहले कूको एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, एंड यूज माई कूपन कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।